ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र एवं हिमाचल सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन के क्षेत्र विकास और सामाजिक भागीदारी से जुड़े कार्य को देख अरुणाचल ने भी विद्युत दोहन के लिए आमंत्रित किया है। विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कौन सी संस्था देश के उत्थान और विकास के साथ साथ सकारात्मक सामाजिक भागीदारी निभा सकती है, इसके अध्ययन के लिए अरुणाचल का 20 सदस्य कतल हिमाचल के दौरे पर है। केंद्र एवं हिमाचल सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन के क्षेत्र विकास और सामाजिक भागीदारी से जुड़े कार्यों को देख अरुणाचल ने भी विद्युत दोहन के लिए आमंत्रित किया है। विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कौन सी संस्था देश के उत्थान और विकास के साथ साथ सकारात्मक सामाजिक भागीदारी निभा सकती है, इसके अध्ययन के लिए अरुणाचल का 20 सदस्य दल हिमाचल के दौरे पर है। इनमें 5 सरकारी नुमाइंदों के साथ 15 अन्य लोग, जिनमें राजनीतिज्ञ, किसान संगठनों व छात्र संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने एसजेवीएन के 1500 मेगावाट की नाथप्पा, जाकड़ी और रामपुर परियोजना का भी दौरा किया। इस दौरान वे परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मिले और अनुभव साझा किया। दल के लोगों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना को लेकर पूर्व में भ्रांतियां और नकारात्मक संदेश था, जिस कारण इस दिशा में दशकों से कदम नहीं बढ़ाया गया है। अब उन्होंने हिमाचल में जल विद्युत परियोजना निर्माण क्षेत्र दौरा कर वास्तविकताओं को बारीकी से देखा तो हकीकत सामने आई। नाथप्पा जाकड़ी परियोजना के महाप्रबंधक आरसी नेगी ने बताया कि रामपुर व नाथप्पा जाकड़ी परियोजना के भ्रमण के बाद अरुणाचल के प्रदेश से आए दल ने पाया कि उनके प्रदेश में विद्युत परियोजना निर्माण की काफी संभावना है। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी नदी पर किस तरह से बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी है। परवीन सिंह नेगी, महाप्रबंधक मानव संसाधन, ने बताया कि एसजेवीएन के प्रमुख का प्रयास रहा है कि निगम को कैसे ऊंचाइयों में पहुंचाए और उसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं वहां का जीवन स्तर और राष्ट्र निर्माण में कैसे सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अरुणाचल की जो टीम अभी आई है, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे परियोजनाएं देखी, क्षेत्र देखे और इंटरेक्ट जब उनसे किया, उन्होंने ये खुद माना और खुद वो चाह रहे हैं कि दोनों की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, वो मिलती जुलती हैं, लोग मिलते जुलते हैं और उन्होंने दिन को तो डेवलपमेंट देखी है और रात को भी डेवलपमेंट देखी है और उनके मन में अब आ रहा है कि हमने जो इतने साल हाइड्रो की तरफ नहीं सोचा, तो हम सरकार से जरूर आग्रह करेंगे कि वो हाइड्रो के बारे में सोचें और पर्टिकुलरली एसजेवीएन में उनका विश्वास जागा है और वो चाहते हैं और यही चीज़ वो हमें बता भी रही हैं मीटिंग्स में भी और जब हम उनको ले लेके अपनी परफॉर्मेंसेस बताते हैं।